हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निशा निकोल से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो है कॉपीराइट म्यूज़िक के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। फ्रेंड, भी हम वीडियो बनाते हैं तो म्यूज़िक कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, और अगर म्यूज़िक अच्छा होता है सुनने वाले का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। कई बार म्यूज़िक एक इन्हेंसर की तरह काम करता है हमारे वीडियोस में, लेकिन अगर हम अपने वीडियोस में म्यूज़िक लगाते हैं तो हमें ये डर बना रहता है क्या वो कॉपीराइट फ्री है, कहीं कोई हमारे कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी या कोई क्लेम तो नहीं कर देगा। तो ये चीज़ बहुत ही टेंशन वाली होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में जाके अपना म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं जो कॉपीराइट फ्री भी होगा और आप बेधड़क उसको यूज़ कर सकते हैं, और आपको उस म्यूज़िक के लिए किसी को भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ पे कुछ म्यूज़िक ऐसा है जो आप क्रेडिट देके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, और कुछ म्यूज़िक ऐसा है जो आप क्रेडिट दिए बिना भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आप यूट्यूब लाइब्रेरी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं बिना कोई क्रेडिट दिए। तो इसके लिए चलते हैं हमारी फ़ोन स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम ये म्यूज़िक डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ करें। इसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्रोम में जाना है। यहाँ से हम क्रोम में जाने के बाद यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप थ्री डॉट पे टच करके इसको आप डेस्कटॉप साइट में ज़रूर ऑन कर लीजिए। अभी मैंने ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, आप यहाँ पे म्यूज़िक का एक आइकन आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो म्यूज़िक आइकन पे टच कीजिए। ये हमारी ऑडियो लाइब्रेरी है यहाँ पे, जो यूट्यूब की लाइब्रेरी है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे इसमें बहुत सारा म्यूज़िक है, इस तरह से काफ़ी सारा है। फ्रेंड्स, इसकी जो अच्छी बात है, इसमें फ्री म्यूज़िक तो है ही है, इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है पूरा, जैसे किड्स प्लेइंग का है, फैक्ट्री बैकग्राउंड है, ट्रक ड्राइविंग इन पार्किंग स्ट्रक्चर, वो सारे इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ बहुत सारा जॉनर के हिसाब से जैसी आपकी वीडियो है उस टाइप का म्यूज़िक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने वीडियो में उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, देखिए आर्टिस्ट के नेम से भी आप ढूंढ सकते हैं, ड्यूरेशन से भी ढूंढ सकते हैं। जो इसकी एक खास बात ये है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें दो टाइप का म्यूज़िक है, एक एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। नंबर वन पे ये है और नंबर टू पे ये है। तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, जैसे हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ये जितना भी म्यूज़िक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे तक आप देखेंगे जितना भी म्यूज़िक है, अगर आप इसको अपने वीडियो में यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको इसका यूट्यूब का आइकन भी दिखाई देगा, इसमें आपको किसी भी तरह का एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे, मैंने ये वाला एक म्यूज़िक वीडियो के बैकग्राउंड में ये वाला म्यूज़िक चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप डायरेक्ट अपनी वीडियो में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर दूँ। जो दूसरा म्यूज़िक है जो एट्रीब्यूशन, चलिए वापस यहीं चलते हैं, मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, अब मैं दोबारा इसमें चलते हैं। अब मैं आपको जिसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है वो म्यूज़िक दिखाती हूँ। जैसे यहाँ से ये वाला सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्पॉटी किड्स। तो ये देखिए, इसको जब ये 3 मिनट 12 सेकंड का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यूट्यूब का आइकन नहीं दिखाई देगा। तो जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह का आपको यहाँ पे एक इस तरह का आपको एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ से आपको करना क्या है, जब भी आप इस तरह का जो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड म्यूज़िक है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको इस कॉपी बटन पर टच कर लीजिए, इसको डन कर दीजिए, और इसको ले जाके आप जो हमने भी कॉपी किया है, जब भी आप अपने वीडियो का टाइटल लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वहाँ जाके आप इसको जो हमने यहाँ से कॉपी किया है उसको आप उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो यानी कि ये जो म्यूज़िक है, इस एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड म्यूज़िक में आपको क्रेडिट देना ज़रूरी है।
अगर आप ऐसा नहीं करें तो करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पे ये वाला जो लिंक यहाँ पे ये क्रिएट करता है इसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कॉपी कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं और आप इस म्यूज़िक को बहुत आराम से यूज़ कीजिए। अगर आप ये क्रेडिट दे देते हैं तो कभी भी सालों साल कितने भी साल हो जाएं आपकी वीडियो पर किसी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत अच्छी म्यूज़िक लाइब्रेरी है ये यूट्यूब की। तो ये देखिए इस तरह से इसमें काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको जेनर दिखा दिया मूड के हिसाब से, जैसे ये देखिए मूड पे अगर हम टच करें, अगर आपको एंग्री मूड की का कोई म्यूज़िक चाहिए, ब्राइट, काम, डार्क, डायनेमिक, हैप्पी, जैसे मैं ये हैप्पी वाला करती हूँ, इसको आप अप्लाई कर दीजिए तो उस ही जॉनर का पूरा, उसी मूड का पूरा म्यूज़िक यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए हम इसको एक बार ऑन करके देख, यहाँ पे टच करेंगे ट्रायंगल पे, ये देखिए ये पॉप कैटेगरी का म्यूज़िक है और 2:16 इसकी ड्यूरेशन है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा ये ढूंढना कि हम अपने वीडियोस में म्यूज़िक कहाँ से यूज़ करें, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक होता है तो सुनने और देखने वाले का जो इंटरेस्ट है आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत हेल्प करता है आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने में। तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलूँगी आपको अपनी किसी नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।